नमस्कार दर्शकों, मैं संजय निलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि विवाह के संबंध में है कि अगर गुण 18 है, 18 के ऊपर नहीं है, 18 के कम है, फिर भी लड़का और लड़की दोनों ही शादी के लिए राजी है। नहीं तो कभी कभी ऐसे ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों में ही पसंदी आती है, लड़कों को लड़की पसंद आती है, लड़की को लड़का पसंद आता है, उसके घर वाले को भी रिश्ता पसंद होता है, लेकिन गुण मिलन नहीं हो रहे, 18 के नीचे गुण आ रहे, तभी क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। बहुत बार ऐसे देख ऐसी सिचुएशन आती है कि गुण मिलन नहीं होने के कारण रिश्ता कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लड़के की लड़का और लड़की 25 और 20 और 25 साल में अपने उम्र में शादी कर रहे और तभी ऐसी सिचुएशन तैयार होती है तो आप दूसरी कुंडली दूसरी लड़की लड़का देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणों के कारण दोनों की ही एज बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कभी करियर के कारण भी उसकी करियर पूरा होने के बाद शादी करेंगे इसके कारण, नहीं तो फिर मैच मेकिंग गुण मिलन करते समय कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आती है कि लड़का की लड़का कहाँ रहता है, उसके वो दिखने में कैसा है, पसंदी नापसंदी ये सब देखा जाता है, फिर उसका धन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसकी प्रॉपर्टी कितना है, ये सब मायने रखता है। गुण मिलन जब भी करते हैं तो उसके साथ साथ ये सभी प्रकार की सभी प्रकार के जो संबंध में सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी देखा जाता है, और इसमें उम्र चली जाती है, उम्र निकल जाती है, और 30 साल 32 साल होने के बाद फिर आप अगर कुंडली मैच मेकिंग करते हैं, गुण मिलन करते हैं, तभी रिश्ता तो जम जाता है, दोनों को पसंदी तो आती है लड़का और लड़की को, लेकिन गुण मिलन के कारण ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें दो राह होती है, तभी क्या करना चाहिए। दर्शकों, उसके लिए बहुत सारे उपाय अपने ज्योतिष शास्त्र में नहीं तो फिर अपने धर्म शास्त्र में इसके उपाय बताए गए हैं, लेकिन फिर भी 18 गुण ये सबसे मिनिमम सबसे कम गुण माना जाता है। 18 के ऊपर यानी कि टोटल 36 गुण होते हैं, ये गुण किसके किसके कारण मिलते हैं ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले वर्ण देखा जाता है, 4 वर्ण होते हैं, एक एक जो होता है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ऐसे ये 4 वर्ण होते हैं। तो वर्ण में खाली एक ही गुण दिया गया है, अगर वर्ण मैच करते हैं तो एक ही गुण मिलता है। फिर आता है वश्य, अने जल जल है के चतुष्पाद है ये सब देखा जाता है, इसमें खाली 2 गुण मिलते हैं। फिर 3 नंबर में आता है तारा गुण, इसमें 3 गुण आते हैं। 4 गुण प्राप्त होते हैं योनि से, अगर योनि में भी दोनों में वैवाहिक सौख्य उनका फिजिकल रिलेशन कैसे है ये भी देखा जाता है, इनमें 4 गुण दिए गए हैं। फिर 5 नंबर में आता है ग्रह मैत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गुण मिलन में, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो ग्रह मैत्री रहेगी तो भी ये शादी आप कर सकते हैं, इसमें 5 गुण आते हैं। फिर ग्रह मैत्री अगर रहेगी तो वर्ण से लेके नाड़ी तक अगर गुण नहीं भी प्राप्त हो रहे, 18 गुण से नीचे भी आ रहे, तभी भी आप ये शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ उपाय भी करना चाहिए, ये मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। फिर ग्रह मैत्री होने के बाद आता है 6वें नंबर में गण दोष, 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, इसमें भी अगर गुण अगर पूर्ण नहीं मिलते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। फिर 7 नंबर में आता है भुकुट दोष, यानी कि भुकुट दोष यानी राशि की मैत्री ये देखा जाता है। फिर आता है 8 नंबर में नाड़ी दोष,
ऐसे नाड़ी दोष में के बारे में स्पेशली लेक्चर मैंने इसके बारे में दिया है, मेरे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये सारे वर्ण से लेके नाड़ी तक ऐसे 36 गुण रहते हैं, और 36 में की 36 में से कितने गुण अपने को प्राप्त होते हैं, ये गुण मिलन में आपके कोई भी आप ऐप से नहीं तो फिर किसी पंडित जी के पास जाके ये गुण मिलन आप चेक कर सकते हैं, इसमें कितने गुण प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के लिए लड़का और लड़की और उनका परिवार दोनों को ही रिश्ता पसंद आता है, फिर भी 18 गुण के नीचे गुण होने के कारण वो शादी कैंसिल करनी पड़ती है। लेकिन तभी अगर उम्र ज्यादा रहेगा और शादी करनी है, कौन सी परिस्थिति में शादी करनी है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसी के ही बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है कि ग्रह मैत्री। कभी कभी ऐसा होता है कि 18 से कम गुण है लेकिन ग्रह मैत्री है। ग्रह मैत्री कैसे देखी जाती है, जैसे कि 12 राशि होती है और 12 राशि के स्वामी 9 ग्रह, 7 ही ग्रह होते हैं। राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, उसमें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, जैसे कि मेष का स्वामी है मंगल, कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, वृश्चिक का राशि स्वामी है मंगल, धनु और मीन का स्वामी है गुरु, तो ये आपस में मित्रता दिखाते हैं। तो इनमें अगर मेष राशि का लड़का है और कर्क राशि की लड़की है, या लड़का लड़की है दोनों में से कोई भी, तो ये शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आपस में ग्रह मित्रता है। वहां अगर अपने 18 गुण से नीचे भी अगर गुण जाते हैं तभी भी ये शादी आप कर सकते हैं। और दूसरे हैं वृषभ मिथुन कर्क, सॉरी वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और कुंभ, ये 6 राशि, ये राशियों में मित्रता होती है। तो वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। तो इन ग्रहों से आपस में मित्रता होने के कारण भी ये वृषभ राशि का स्वामी मिथुन राशि के साथ शादी कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेष राशि का अगर लड़का है और वृषभ नहीं तो फिर तुला राशि की लड़की है, तो इनमें सम मित्रता होती है, तो मंगल और शुक्र में शत्रुता नहीं होती है, वैसे ही शनि और गुरु में भी शत्रुता नहीं होती, वो सम राशि है, सम मित्रता है, तो इनमें भी आपस में आप शादी कर सकते हैं। जैसे कि अगर शनि राशि का स्वामी मीन, सॉरी शनि राशि का स्वामी है मकर, यानी कि मकर राशि का लड़का है और मीन राशि का लड़की है, मीन राशि की लड़की है, तो ये गुरु और शनि इनमें सम मित्रता होने के कारण भी आप ये शादी कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य और बुध, इनमें भी मित्रता होती है, सूर्य और बुध में भी अच्छी मित्रता देखी गई है। कभी कभी तो कुंडली में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह अगर एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं और दोनों में 4 ग्रह का 4 डिग्री का डिफरेंस है, तो इनमें बुधादित्य राजयोग माना बुधादित्य राजयोग माना जाता है। तो ग्रह मैत्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर कुंडली में ऐसी भी सिचुएशन आती है तो भी आप 18 गुण के नीचे भी अगर गुण होते हैं तो भी आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जरूरी है, क्योंकि 18 गुण से नीचे है तो महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं। और शादी होने के बाद आप धान्य का दान करना चाहिए, और हो सके तो आपका दोबारा शादी यानी पुनर्विवाह करना चाहिए, इससे आने वाले संकटों का निवारण हो सकता है, वैवाहिक सौख्य में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उसका निवारण हो सकता है। वैसे नाड़ी दोष, नाड़ी इसमें 8 गुण दिए जाते हैं, ये कुंडली में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसके बारे में मैंने एक स्पेशली एक लेक्चर उसके नाड़ी दोष के बारे में बनाया है। अगर जाने अनजाने में सभी प्रकार के उपाय में नाड़ी दोष का उपाय अगर नहीं मिल रहा है फिर भी नाड़ी दोष लग रहा है, तभी भी आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, और नाड़ी दोष के कारण
संतति और आरोग्य में दोनों में दुविधा उत्पन्न होती है। तो अगर आप नाड़ी दोष आपको लगता है और 18 गुण से नीचे गुण है और नाड़ी दोष का निवारण नहीं हो रहा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको सबसे पहले कुछ अपने दिनचर्या में आपको खाना रेगुलर खाना चाहिए। आरोग्य के बारे में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। फिर उसके साथ संतान में देरी नहीं करना चाहिए और जब तक पहला संतान नहीं होता है तब तक आपको महामृत्युंजय का मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है, वैदिक मंत्र, ये वैवाहिक सौख्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे सौख्य प्राप्त देने वाला ये मंत्र माना जाता है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ये शिवजी का मंत्र है और वो अपने स्वास्थ्य, अपने हर कार्य में, अपने कोई भी जीवन में, बच्चों में, संतान में कोई दिक्कतें हैं तो ये मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद नाड़ी का दोष होने के बाद फिर भुकुट दोष, ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दोष माना जाता है और भुकुट में 7 गुण प्राप्त होते हैं। और भुकुट दोष कैसे देखा जाता है? 3 प्रकार के भुकुट दोष होते हैं। एक षडाष्टक योग, ये सबसे घातक योग माना जाता है। इसमें प्रीति षडाष्टक योग ये सबसे अच्छा योग माना जाता है, लेकिन मृत्यु षडाष्टक योग ये सबसे घातक योग माना जाता है। ये कैसे देखा जाता है कि अपनी राशि से अगर किसी की 6वीं राशि है और उसके राशि से अपनी 8वीं राशि है तो ये षडाष्टक योग माना जाता है। जैसे कि किसी की मेष राशि है तो मेष राशि से लेके उसकी 8वीं राशि कौन सी आती है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि उसकी 8वीं राशि है। तो मेष यानी मंगल और वृश्चिक यानी कौन? मंगली। तो फिर भी ग्रह मैत्री होने के कारण ये दोष नहीं माना जाता है, लेकिन वृषभ से लेके 8वीं राशि आती है धनु, तो इसमें ग्रह मित्रता नहीं है। फिर भी अगर ऐसे कभी सिचुएशन खड़ी होती है तो मृत्यु षडाष्टक का योग दोष निवारण करने के लिए आपको शादी होने के बाद अन्नदान करना जरूरी माना जाता है और महामृत्युंजय का जप अनुष्ठान करना जरूरी है, और इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन में कोई घटना घटनी है मृत्यु के संबंध में, अपने आरोग्य के संबंध में, तो ये महामृत्युंजय का जप का निवारण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी होने के बाद मालूम पड़ता है कि कुंडली में मृत्यु षडाष्टक योग है, तभी भी आप ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सकते हैं और अपने आयु को बढ़ा सकते हैं और अपने वैवाहिक सौख्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नवम पंचम योग। नव पंचम योग यानी कि अपनी राशि 9वीं और उसकी राशि 5वीं होती है, फिर उसके राशि से अपनी राशि 9वीं होती है, इसे नव पंचम योग माना जाता है। ये आपका नवम स्थान भाग्य का स्थान माना जाता है। भाग्य के संबंध में और संतान के संबंध में ये बाधाएं उत्पन्न होती है। जब भी कभी ऐसी नव पंचम योग तैयार होते हैं भुकुट दोष के माध्यम से, तभी भी ये उपाय आपको महामृत्युंजय का जप का उपाय करना जरूरी है, तभी आपका ये सारे दोष निवारण हो सकते हैं। और तीसरा जो भुकुट दोष में माना जाता है षडाष्टक योग, यानी अपनी राशि, सॉरी षडाष्टक नहीं, दीर्घदाशकम योग। इसे धन और आपका वय स्थान देखा जाता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कुंडली में दीर्घ द्वादशकम अगर योग है, भुकुट दोष है दीर्घ द्वादशकम, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको अच्छा प्रगति हो रही है, आपका अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप वो जॉब छोड़ के बिजनेस के लाइन में मत जाइए। तो आपको अपना जो भी काम रेगुलर कर रहे हैं उसी को ही पकड़ना है, क्योंकि विनाश कारण विपरीत बुद्धि और आप गलत काम चूज करते हैं तो भी आपको जीवन में संकटों का, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि कोई बदलाव मत करना चाहिए, और महामृत्युंजय का जाप भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अस्थिरता 12वां स्थान जो अस्थिरता निर्माण करती है। दीर्घ दर्शन योग यानी अपनी राशि समझा दूसरी राशि है तो उसके राशि से 12वीं राशि जिसकी होती है और 12वीं राशि से लेकर दूसरी राशि जिसके यानी कि पति की 12वीं और पत्नी की दूसरी राशि और पत्नी की दूसरी होके पति की 12वीं राशि अगर होती है तो यहाँ पे दीर्घ द्वादशक योग निर्माण होता है। दर्शकों उसी प्रकार मैंने नाड़ी दोष के बारे में बताया, बकुट दोष के बारे में भी बताया, अगर इनमें दोष उत्पन्न होते हैं तो भी आपको महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना जरूरी है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण पति और पत्नी दोनों को ही करना जरूरी है। ये सभी प्रकार के जो भुकुट दोष उत्पन्न होते हैं ये आपके संतान अपना धन प्राप्ति और अपना आरोग्य उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं, और मृत्यु षडष्टक अगर योग है तो हो सके तो उसे टालना ही चाहिए, ऐसी कुंडली अगर मिलान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शादी होने के बाद आपको मालूम होता है तो आप महामृत्युंजय का जप का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, इससे आपके जीवन में आने वाले संकटों का निवारण हो सकता है। फिर ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं, तारागुण यानी कि तारागुण यानी नक्षत्र की मित्रता वो देखी जाती है, योनि वश्य और वर्ण इसके बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपके गुण 18 के नीचे है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दर्शकों उसके बाद अगर 18 गुण के नीचे गुण है फिर भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कुंडली मिलाप भी जरूर करना चाहिए, दोनों की कुंडली देखना चाहिए लड़का और लड़की की कि दोनों के कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। खास करके गुरु का बल और चंद्र का बल देखा जाता है, कुंडली के अंदर गुरु अगर केंद्र में आता है नहीं तो फिर त्रिकोण में आता है गुरु और अच्छे डिग्री में बैठा है, उच्च का है, अपने स्वराशि में है, यानी कि गुरु अगर धनु और मीन राशि में है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है, तो ग्रहों में गुरु का बल अच्छा देखा जाता है तो उसके कारण भी सारे दोषों का निवारण भी हो सकता है। फिर चंद्र की भी स्थिति देखनी चाहिए, कुंडली के अंदर चंद्र कौन से स्थान में बैठा है और उसके साथ कौन से ग्रह की युति है, कोई कुग्रह की दृष्टि चंद्र के ऊपर तो नहीं है ना, शनि की अगर दृष्टि चंद्र पे अगर पड़ती है, राहु की दृष्टि अगर चंद्र के ऊपर पड़ती है तो वहां पे खराब योग तैयार होता है, एक तो संघर्ष योग तैयार होता है नहीं तो फिर ग्रहण योग तैयार होता है। ये देखना चाहिए कि कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, चंद्र और गुरु दोनों ही बाधित नहीं है, अपने शुभ स्थान में बैठे हैं और अच्छे फल दे रहे हैं, तो जातक को दोनों को ही लड़का और लड़की का दोनों का देखना चाहिए तो उनके वैवाहिक जीवन में जो भी ये 18 गुण उनको नहीं मिल रहे उनसे भी कम गुण है तो ये अगर सिचुएशन है उनके कुंडली के ग्रहों की दशा अच्छी है तो भी उनके जीवन में कुछ इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आप शादी करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन है शादी करना ही है कोई भी कारण रहने दो, नहीं तो फिर शादी होने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपके गुण 18 नहीं मिल रहे तो आपको शिवजी का महामृत्युंजय का जप का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। मंत्र कौन सा है एक बार आप सुन सकते हैं, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण आपको लगातार करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं आपको टाइम नहीं मिल रहा है फिर भी आपको दिन में आधा घंटा नहीं तो एक घंटा भी ये जाप करना चाहिए, और 1,25,000 का अगर अनुष्ठान करते हो और उसका एक दशांश हवन करते हो तो भी आपको इसका जो भी अपने जीवन में संकट है, जो भी अपने भाग्यों के माध्यम से अपने जीवन में अपने ग्रहों के मित्रों के माध्यम से जो भी तकलीफ होने वाली है उसका दोष निवारण हो सकता है। दर्शकों कर्म करने से यानी कि प्रायश्चित करने से और माता पिता की सेवा करने से दान धर्म करने से हमारे जीवन में जो भी भोग है वो भोग आप दूर कर सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं।
आज मैंने आपको वैवाहिक जीवन में अगर आपके गुण 18 से कम हो रहे हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए इमरजेंसी में क्या उपाय करना चाहिए शादी होने के बाद, इसके बारे में मैंने सखोल जानकारी आपको दी गई है। दर्शकों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।